दोस्तों सब्सक्राइब करें ये एक्स मनाना यूट्यूब चैनल को और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए अपने मोबाइल पर इस बेल आइकन पर क्लिक करें। तो आज की ये वीडियो उनके लिए है जिनको UMT कार्ड अपडेट करने में प्रॉब्लम होता है बार बार, ठीक है, उनके लिए है और खासतौर पे उनके लिए है जो लोग UMT का EMC टूल एक्टिवेट करवा चुके हैं लेकिन फिर भी उसे आप यूज नहीं कर पा रहे, ओपन कर रहे हैं तो आपका ओपन नहीं हो रहा है, ठीक है। तो उसके लिए एक FW अपडेटर था पहले, तो अब इसमें कंपनी जो अभी निकाला है नया अपडेटर जो कि है EMMC, ठीक है, अपडेटर। तो UMT का जो EMMC टूल है उसके लिए अलग से एक्टिवेट करने का, उससे अलग से अपडेट करने का एक अपडेटर निकाला है कंपनी, ठीक है। वो डेस्कटॉप पे यहाँ पे है, सामने आप यहाँ पे देख सकते हो, चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। आप यहाँ पे देख रहे हो जैसे आप UMT EMMC टूल ओपन करोगे आपको इस तरह का मैसेज देगा, जबकि आपका कार्ड एक्टिव है, आपने एक्टिवेशन करवा रखा है फिर भी इस तरह का मैसेज दे रहा है। तो इससे पहले आपको अपडेट करना होगा, ठीक है। तो अपडेट कैसे करना है इस वीडियो में आपको दिखाने वाला हूँ, थोड़ा ध्यान से देखें वीडियो को। यह है UMT का अपडेटर, ठीक है, UMT EMMC अपडेटर। इसे ओपन करना है आपको, उसके बाद कोई इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा आपको। सबसे पहले आपको यहां पे ऊपर में क्लिक करना है, ठीक है। यहां पे आपको दिखा देगा कि आपका कार्ड जो है एक्टिवेट हुआ है या नहीं हुआ, और एक्टिवेट हुआ है तो किस तारीख को हुआ है, ठीक है। यहां पे आपको डेट बाय डेट दिखा देगा आपको, तो आप यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे जो कार्ड एक्टिव है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे टाइम दिखा रहा है कि इस तारीख को जो यहाँ पे एक्टिवेट हुआ है। उसके बाद दूसरे नंबर पे आपको क्लिक करना है, दूसरे नंबर पे क्लिक करेंगे ये UMT का EMMC टूल जो है आपका जो यहाँ से एक्टिव हो जाएगा। कहने का मतलब मेरा ये है कि अगर आप रिसेलर से इसे एक्टिवेट करवाते हैं टूल को, फिर भी आपको यहाँ पे अपने कंप्यूटर में अपने से आपको इस अपडेटर के जरिए से अपडेट करना होगा। तीसरे नंबर पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है, कंप्लीट, यहां से आपका कंप्लीट एक्टिवेट होने के बाद यहां से उसके बाद ही आप टूल को यूज कर पाएंगे। और मैं आपको एक बात यहां पे और बता दूं कि अगर मान लीजिए आप अपडेट मार रहे हैं, अगर आपको 48 घंटे से लिख रहा है टाइम, तो आप 48 घंटे के बाद ट्राई करें दोबारा, उससे पहले ट्राई ना करें। तो अभी अपडेट हो चुका है, चलिए हम EMMC टूल को ओपन करते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे EMMC टूल जो है अब ये अपडेट हो चुका है हमारा यहाँ पे, और लास्ट ही अपडेट मांग रहा है। यहाँ पे हम अपडेट पे क्लिक मारेंगे, और इस टाइम में जब आप अपडेट मारेंगे आपका कंप्यूटर का टाइम डेट बिल्कुल सही होना चाहिए, और इंडिया कंट्री का टाइम होना चाहिए, दिल्ली, चेन्नई, मुंबई, कोलकाता, मद्रास वाला टाइम आपके कंप्यूटर में सेट होना चाहिए, और 100 क्लॉक पे आपका चेक लगा हुआ होना चाहिए। टाइम कंप्यूटर का आपका जो बिल्कुल परफेक्ट होनी चाहिए, तभी आप यहाँ पे अपडेट मारेंगे, अपडेट देगा। अगर आपका टाइम में कोई दिक्कत है कंप्यूटर में तो ये अपडेट एरर देगा। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक जरूर करें, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।